कहा चुनाव मीडिया लंबी भीत उसारी, घर तो साढ़े तीन हाथ घना तो पौने चारी। लंबी भीत और बोसारी पर्ची के सहित कहाँ तू महल चुनाने में व्यस्त है। तुम्हारा घर तो साढ़े तीन हाथ का है, बहुत हुआ तो पौने चार हाथ सही। पांच तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाम, दिनाचार के कारण फिर रोके ठाम। पंच तत्वों से निर्मित शरीर का मनुष्य नाम रखा, चार दिन के क्षणिक भोगों के कारण बारंबार जीव अपने मुक्ति धाम का द्वार रोक रखता है। पाके खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू झोला बहुत है घर आवे तब जान। पकु ही खेती को देखकर किसान के मन में गर्व हुआ, परंतु भाई अभी तो बहुत विघ्न है, घर में आ जाए तब जानू। हार जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुकहारा भी जले कासो कुरु पुकार। शरीर की हड्डी जल जाती है, हड्डी को जलाने वाली लकड़ी भी जल जाती है, और इन दोनों को जलाने वाला मनुष्य भी किसी दिन जल जाता है। दाह क्रिया को देखने वाले तमाशगीर भी एक एक करके समय से जल जाते हैं, फिर किसके सामने पुकार करूँ। घर रखवाला बाहिरा चिड़िया खाई खेत, आधा परवा उबरे चेत सके तो चेत। शरीर का रक्षक जीव सत्योपदेश सुनने से बहरा है, कामादि पक्षी नर जन्म रूपी फसल को नष्ट कर दिए। बचा खुचा आधा तिहाई बचा लो, सावधान हो जाओ। मौत बिसारी बाबरी अचरज किया कौन, मन माटी में मिल गया ज्यों आटा में लौन। ए पगली तुम मृत्यु को क्यों भूल गई, इस आश्चर्य में तेरे को किसने डाला। एक दिन तो यह शरीर मिट्टी में उसी प्रकार मिल जाएगा जैसे आटा में नमक। जन्मे मरण विचार के पूरे काम निवारी, जिन पंथा तो ही चालना सोई पंथ सावारी। कर्म फल भोगने के लिए अविनाशी जीन जन्म मरण में घूमता रहता है, ऐसे विचार कर बुरे कर्मों को छोड़ो। जिस कल्याण पथ में तुम्हें चलना है उसी को बनाओ। माटी कहे कुम्हार को क्या तू रौंदे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तो ही। मिट्टी मानो कुम्हार से कहती हूँ, तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तेरे को रौंदूंगी। लकड़ी कहे लोहार से तू माती जा रे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं जौरूंगी तो ही। लकड़ी लोहार से कहती है तू मुझे मत जलाबे, एक दिन ऐसा होगा कि मैं तेरे को जलाऊंगी। कहा किया हम आए के कहा करेंगे जाए, इतके भय न ऊत के चाले मुंह गवाए। संसार में आकर हमने क्या किया, यहाँ से जाकर तो और भी कुछ नहीं बन सकेगा। न भोग स्थिर रहता है, न इसे त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया, बल्कि मूल नर जन्म के कर्म को भी नष्ट करके 84 चक्कर में चले। यह जन कांचा कुंभ है, लिया फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया कछुना आया हाथ। यह शरीर कच्चा गड़ा है, इसको साथ में लेकर घूम रहे थे, काल का एक धक्का लगा और यह फूट गया, कुछ भी हाथ में नहीं आया। यह तन कांचा कुंभ है, चोट चहुदिस खाए, एक ही गुरु के नाम बिन जदि तदि परले जाए। यह शरीर रूपी कच्चा घड़ा चारों ओर चोट खाता है, एक गुरु के ज्ञान बिना कल्याण ना हुआ तो यह शरीर तो कभी ना कभी नष्ट होगा ही। यह तन कांचा कुंभ है, माही किया रही वास, कबीर नैन निहार या नई जीवन की आस। यह शरीर कच्चा घड़ा है, इसमें अविनाशी जीव ने अपना निवास स्थान बनाया है। ए मनुष्यों नेत्र खोलकर देखो, जीने की आशा नहीं है। दुनिया से थी दोस्ती मुआ होत भजन में भंग, एका एकी राम सो के साधुन के संग। संसारी लोगों से मित्रता करने से अपने भजन साधन में विघ्न होता है, एकाएकी स्वस्वरूप राम में ही रमण करना चाहिए या संतों के संग में बैठकर सत्संग करना चाहिए। दुनिया के धोखे मुआ चला कुटुंब की कहानी, तब कुल की क्या लाज है जब ले धरा मसानी। संसार की धोखाधड़ी में ये जी पच मुआ, जीवन पर्यंत कुल कुटुंब की मर्यादा में जकड़ा हुआ चलता रहा। अरे भोले
अब तेरे कुल की लज्जा कहाँ रहेगी, जब तेरे शव को लोग शमशान में ला धरेंगे। कुल खोए कुल उभरे, कुल राखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेटिया सब कुल गया बिलाए। कुल जाति के अभिमान को मिटाकर भक्ति करने पर कुल संपूर्ण प्रकार से उद्धार होता है, और कुल जाति का अभिमान रखने पर कुल संपूर्ण चला जाता है, नष्ट हो जाता है। सब जाति कुल से रहित अपने आप स्वरूप राम के साक्षात्कार हो जाने पर सब कुल वर्ण विलीन हो जाते हैं। कुल करने के कारण हंसा गया बिगोए, तब कुल का को लाज है चारी पाँव का होए। कुल जाति के मर्यादा एवं मद में पड़कर जीव पतित हो गया, तब कुल की क्या लज्जा रहेगी, जब धर्म भक्ति हीन होने के कारण भविष्य जन्म में चार पैर का पशु बनोगे। कुल करने के कारण डिघी रही हो राम, तब कुल काजो लाज है जब जमकी धूमा धाम। कुल मर्यादा अभिमान में पड़ने के कारण राम अपना स्वरूप होते हुए भी उसका बोध नहीं हुआ, जब मौत का दिन आएगा तब कुल की क्या लज्जा रहेगी। उजल पहने कापड़ा पान सुपारी खाए, कबीर गुरु की भक्ति बिन बांधा जमपुर जाए। बहुत चमकीले कपड़े पहनते हैं, पान सुपारी खाते हैं, परंतु गुरु भक्ति के बिना वासना में बंधकर 84 में जाना पड़ेगा। मलमल खासा पहनते खाते नागर पान, टेढ़ा होकर चलते करते बहुत गुमान। महलन माही पौड़ते परिमल अंग लगाए, दे सपने दिसे नहीं देखत गए बिलाए। उत्तम खासा मलमल कपड़े पहनते हैं, नागर पान खाते हैं, मारे अभिमान के टेढ़े होकर ही चलते हैं। सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन कर भव्य भवनों में शयन विलास करते हैं, परंतु अब स्वप्न में भी नहीं दिखते, देखते देखते विलीन हो गए। जंगल ठेड़ी राख की ऊपरी ऊपरी हरी राय, ते भी होते मान भी करते संग रली आए। जिनके शरीर के भस्म की ढेरी जंगल में लगी है और उनकी उसके ऊपर ऊपर घास उगी है, वे भी एक दिन मनुष्य थे और रंग रास क्रीड़ा विलास करते थे। मेरा संगी कोई नहीं सबे स्वार्थी लोए, मन प्रतीत न उपजे जी विश्वास न होए। चाहे मन में प्रतीत न उत्पन्न हो और जीव को विश्वास ना पड़े, परंतु मेरा साथी कोई नहीं है, सब जीव अपने अपने स्वार्थी हैं। जिसको रहना उद्घरा सो के जोड़े मित, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। जिसको मोक्ष स्थिति में रहना है वह संसार से मित्रता क्यों जोड़े, उसको तो संसार में उसी प्रकार रहना चाहिए जैसे पाहुना सगा दूसरे के घर जाकर वहां से अपना चित्त उठाए रहता है। इत पर घर उत है घरा, बनिजन आए हाट, कर्म करीचा बेच के उठ करी चालो काट। इधर इधर तो पर घर है, उधर ही अपना स्थाई घर है, मतलब ये संसार जो है ये दूसरा घर है, उधर दूसरी तरफ संसार से पृथक मोक्ष स्थिति ही अपना स्थाई घर है। संसार बाजार में तो मोक्ष साधना का व्यापार करने आए हैं, कर्म का किराना सौदा बेचकर उठकर अपना मार्ग प्रकट, कर्माभ्यास मिटाकर स्वस्वरूप में स्थित हो। ज्यो कौरी रेजा बुने नीरा आवे छोर, ऐसा लेखा मीचिका दौरी सके तो दौर। जैसे जुलाहा नरी चलाकर एक एक सूत पिरोते हुए कपड़ा बुनता है और उसका अंत निकट आता जाता है, वैसे मृत्यु भी नित्य निकट चली आती है। अतएव दौड़ सको तो शीघ्र मोक्ष धाम में दौड़ चल। मैं तेरी तू जन करें मेरी मूल निवास, मेरी पक्का पैखरा मेरी गल की फांस। शरीर संसार में तू मैं मेरी अहंता ममता मत कर, अहंता ममता कल्याण की जड़ का नाशक है। जगत ममता पैर की बेड़ी है और यही गले की फांसी है।